तरफ से पाल समाज को बधाई देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने यहाँ आकर हमारी पार्टी ज्वाइन कर शुरू हो चुका है। मैदान जंग में हम और हमारे मुखालिफ लोग सहारा लेकर लोगों को गुमराह करके सच्चाई को छुपाकर लोगों को धार्मिक उन्माद में डालकर सेंटिमेंटल ब्लैकमेल करके वोट हासिल करने की राजनीति जो एक पार्टी को भाजपा किया करती थी वो अब आगे चलने वाला नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, चक्कर की मिलक स्थित सपा जिला कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। साथ ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई जिसमें भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा गया। समाजवादी पार्टी के सांसद द्वारा ये बयान भी दिया गया। तरफ से पाल समाज को बधाई देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ, उन्होंने यहाँ आकर हमारी पार्टी ज्वाइन कर शुरू हो चुका है। मैदान जंग में हम और हमारे मुखालिफ लोग सहारा लेकर लोगों को गुमराह करके सच्चाई को छुपाकर लोगों को धार्मिक उन्माद में डालकर सेंटिमेंटल ब्लैकमेल करके वोट हासिल करने की राजनीति जो एक पार्टी को भाजपा किया करती थी वो अब आगे चलने वाला नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँ। इस दौरान पाल समाज के बीच सपा जनसभा का संदेश दिया गया और आगामी चुनाव को लेकर सभी ने अपने अपने विचार रखे। मुरादाबाद जनपद में समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के संदेश को लेकर के आए हैं और हम लोग मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष जी के माध्यम से पाल समाज के लोगों के बीच में समाजवादी जन संदेश यात्रा लेकर जा रहे हैं और यह बताने का काम कर रहे हैं कि भारतीय संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, भारतीय संविधान को जलाया जा रहा है। जिस भारतीय संविधान में पूरे देश के धर्म जात के लोगों का मान और सम्मान है उसके हिसाब से वर्तमान सरकारें सौतेला व्यवहार कर रही हैं और लोगों को रोजी और रोटी से काफ़ी दूर किया जा रहा है। इस संदेश को हम लेकर के अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं, संपूर्ण पिछड़ी जात और पाल समाज के लोगों में मुख्य रूप से। उत्तर प्रदेश सरकार ने पेट्रोल डीजल के रेट कम किए हैं, मुख्यमंत्री बढ़ाने वाले यही लोग हैं, घटाने वाले भी लोग हैं। जो पेट्रोल और डीजल 60 से 70 रुपए में 2014 के पहले मिल रहा था उस पेट्रोल की कीमत इस समय 107 रुपए है और डीजल की कीमत 100 रुपए के लगभग में है। तो इनका घटाना और बढ़ाना इनको गुणा भाग नहीं आता है। ये देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से चौपट कर चुके हैं। इनके नेतृत्व में पूरा देश गरीबी की रेखा के माइनस पॉइंट पर जा रहा है, इसलिए हम लोग इनके खिलाफ राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में जनसंघर्ष चालू किया है। जिन्ना के बयान को लेकर के पक्ष और विपक्ष पार्टी में वार पलटवार चल रहा है, इस पर अखिलेश यादव जी ने कहा है कि उनको द्वारा किताबें पढ़ लेनी चाहिए। अखिलेश जी के भारतीय जनता पार्टी केवल एक किताब को पढ़ती है, नफरत पैदा करने वाली किताब, और नफरत पैदा करने का काम इस देश में भारतीय स्वयंसेवक संघ के लोग जो आरएसएस के लोग हैं केवल जाति नफरत पैदा कराते हैं, धर्म के नाम पर नफरत पैदा कराते हैं। आदरणीय अखिलेश यादव ने उस पुस्तक को पढ़ने के लिए कहा है जो भारतीय संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद का संदेश दे दें, उसी किताब को पढ़ने के लिए हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बीजेपी और आरएसएस के लोगों को कहा। इस अवसर पर भारी संख्या में सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।